हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में कौन से ऑब्जेक्ट्स को आइटरेबल कहा जाता है. राइट, आइटरेबल होता क्या है? एंड आइटरेबल इज एनी पाइथन ऑब्जेक्ट दैट कैन रिटर्न इट्स मेंबर वन एट अ टाइम. आइटरेबल पाइथन के वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने मेंबर्स को वन बाय वन रिटर्न करते हैं. ओके, मतलब वो अपने एलिमेंट्स को वन बाय वन डिस्प्ले कराते हैं. राइट, सिंस वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी वन एट अ टाइम, दीज आर ऑल आइटरेबल्स. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आप स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी के एलिमेंट्स को वन बाय वन ही एक्सेस कर सकते हो. ओके, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स. राइट, अब पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. तो पाइथन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है. राइट, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके एलिमेंट्स को आप वन बाय वन ही एक्सेस कर सकते हो. ओके, तो ये क्या हो गए, आइटरेबल हो गए. अब मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूं. सबसे पहले हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. यहां पे हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया. ओके, और उसमें हम एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देंगे python. राइट, अब आपको इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के करेक्टर्स को एक्सेस कराना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे फोर लूप का यूज करते हैं, फोर chinstr. राइट, प्रिंट ch. ओके, अब देखो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ch वेरिएबल ओके स्ट्रिंग के फर्स्ट करेक्टर को एक्सेस करेगा एंड देन प्रिंट कराएगा. राइट, एंड देन सेकंड लूप चलेगा तो सेकंड करेक्टर को एक्सेस करेगा एंड देन प्रिंट कराएगा. अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स वन बाय वन रिटर्न हुए, वन बाय वन एक्सेस किया गया है. ओके, तो ये क्या है, एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है. फाइन, ओके, अब देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं लिस्ट का. यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हमने lst. ओके, एंड लिस्ट में हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने लिखा वेलकम. एन ए. ओके, हमने करेक्टर्स की लिस्ट बना ली है. फाइन, आपने करेक्टर्स की लिस्ट बना ली है यहाँ पर. अब हमको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप इसके करेक्टर्स को एक्सेस कराना चाहते हैं. ओके, तो जो लिस्ट है वो क्या करेगी, अपने करेक्टर्स को वन बाय वन रिटर्न करेगी. ओके, वो हम देखते हैं कैसे. फोर, यहाँ पे हमने ch कर लिया, ch इन लिस्ट lst. आप वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो. ओके, नॉट ओनली ch. तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्रिंट ch. आ गया, देखो पहले जब फर्स्ट लूप चला ch ने w को एक्सेस किया एंड देन आपने उसको प्रिंट करा दिया. देन ch ने e को एक्सेस किया देन प्रिंट करा दिया. तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट अपने करेक्टर्स को वन बाय वन रिटर्न कर रही है. राइट, दैट्स वाई इट इज आइटरेबल. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं टपल का. फाइन, तो टपल हम यहाँ पे बना लेते हैं नंबर्स की, क्योंकि लिस्ट तो हमने बना लिया करेक्टर्स का, तो नंबर्स की टपल्स बना लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, 20, 30, 40 and 50. राइट, अब अगेन हमें क्या करना है, टपल के आइटम्स को एक्सेस करना है. तो हमने फोर लूप लगाया, फोर. अब यहाँ पे हम वेरिएबल नेम भी चेंज कर लेते हैं, फोर आइटम इन t. राइट, प्रिंट आइटम. ओके, आ गया. अब देखो यहाँ पे टपल्स के आइटम्स भी कैसे आए हैं, वन बाय वन आए हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आइटम वेरिएबल टपल के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा और प्रिंट करा देगा. ठीक है, फिर आइटम एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करेगा एंड देन प्रिंट करा देगा. ओके, तो यहाँ पे टपल क्या, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने एलिमेंट्स को वन बाय वन रिटर्न कर रहा है. ओके, तो टपल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आइटरेबल. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे डिक्शनरी का. तो यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे. राइट, d1 नेम से वन की है आपका और उसकी वैल्यू है वन. राइट, देन टू एंड इट्स वैल्यू इज tw2. ओके, एंड थ्री, इस वैल्यू इज थ्री. राइट, ये आपने डिक्शनरी क्रिएट कर ली. अब इसके आइटम को हम क्या करेंगे, वन बाय वन प्रिंट कराना चाहते हैं. तो यहाँ पे हमने फोर लूप लगाया, फोर की
इन डी वन, राइट। हमने वेरिएबल का नेम की लिया है प्रिंट की एंड देन कॉलन देन डी वन की, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ, ये आपकी आ गई है, ठीक है। अब देखो ये वर्क कैसे किया है, जो यहाँ पे आपका लूप वेरिएबल की है, ओके, इट विल बी असाइन द कीज ऑफ द डिक्शनरी वन बाय वन, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर डिक्शनरी की कीज एक वन बाय वन, मतलब एक बार में एक कीज में असाइन होगी, ओके। एंड देन वो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया, आपने उसको प्रिंट करा दिया है। सिंपल टर्म्स में देखो, जो की वेरिएबल है वो डिक्शनरी की कीज को वन बाय वन एक्सेस करेगा। जब फर्स्ट लूप चलेगा तो इसने फर्स्ट की को एक्सेस किया, राइट। तो आपने फर्स्ट की को प्रिंट करा दिया यहाँ पे वन, और आपने इसके साथ वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया, कॉलन एंड वैल्यू को भी, तो ये भी प्रिंट हो गया। देन सेकंड लूप चलेगा तो जो की वेरिएबल है डिक्शनरी की सेकंड की को एक्सेस करेगा, राइट। तो आपने यहाँ पे की को एक्सेस करा प्रिंट करा दिया है एज वेल एज वैल्यू को प्रिंट करा दिया है अलॉन्ग विद द कॉलन, ठीक है। एंड थर्ड जब लूप चलेगा तो वो थर्ड की को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे डिक्शनरी क्या कर रही है, अपने आइटम्स को वन बाय वन रिटर्न कर रही है। एक साथ पूरी डिक्शनरी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। जब आप लूप की हेल्प से उसको एक्सेस करें, वन आइटम यू आर एक्सेसिंग एट वन टाइम, डेट्स वाई डिक्शनरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आइटरेबल ऑब्जेक्ट ऑफ पाइथन, ओके। ओके एवरी वन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।